हेयर इन दिस लेक्चर हम देख रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरियंट में हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखा मोमेंट्स बेसिकली आपके पास क्या है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल्स टू जीरो सेकेंड मोवमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल्स टू वेरियंट तो ये हम अब एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं मोवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ मल्टीवेरियट नॉर्मल इसमें आपके पास क्या आ रहा है

मूमेंट्स जनरेट करें एफ एम ऑफ एक्स टी दिस इज दूमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाई डेफिनेशन विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन एवरेज एक्सपोनेंशियल टी प्राइम एक्स विद टी इज द एवरी रियल नंबर एफ एक्स फॉलोज द मल्टी वेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैक्टर म्यू एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक सेगमा नाउ द एफ ऑफ एक्स दिस इज द डेंसिटी फंक्शन Of the multivariate normal distribution, here is the transformed Y, which is equal linear transformation. Hai pe. Y, which is equals to c inverse X minus mu. Further, we know that c c prime, which is equals to sigma. Now, the expected value of Y c inverse, expected value of X minus mu, which is equals to zero, because because we know the expected value of X, which is equals to mu mu minus mu zero, variance of X. वेरियंस ऑफ वाई ट्रांसफॉर्म्ड वेरियंस ऑफ वाई सी इनवर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू प्राइम ये आपके पास क्या होती है ये वैल्यू आपके पास वैल्यू किसके इक्वल हो गई है तो उसका सी इनवर्स सी इनवर्स प्राइम फाइनली इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी क्योंकि ये आपको बताया ना दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा और सिग्मा किसके इक्वल है सी सी प्राइम so, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं सी सी ट्रांसपोज तो आंसर हमारे पास वेरियंस ऑफ वाई आ गया आइडेंटिटी सो द ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल विच इज फॉलोज द मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैक्टर जीरो एंड दस को वेरियंस मेट्रिक आइडेंटिटी दिस इज द एफ ऑफ एक्स इन जनरल दिस इज द एफ ऑफ एक्स जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे पास ये एफ ऑफ वाई के इक्वल ट्रांसफॉर्म्ड पी डी एफ है सो द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल टी प्राइम एक्स वेयर एक्स विच इज इक्वल्स टू दिस वन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर कर ली देन इसको सिंप्लीफाई करना है टी प्राइम मल्टीप्लाई होगा टी प्राइम म्यू मल्टीप्लाई हो गया फर्दर हमारे पास ये देखो ये कॉन्स्टेंट है इसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाय ले लिया देन एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी है रेंडम वेरिएबल पे दिस इज दी रेंडम वेरिएबल फर्दर आपके पास क्या हुआ यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया है यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया जब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो सी ट्रांसपोज टी ट्रांसपोज मैं जब इसे ओपन करूँगी तो टी पहले और सी बाद में आ जाएगा तो सेम हमने यहाँ पे इसके जस्ट रीअरेंज किया ई ऑफ टी मू दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फैक्टर क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है this is, ये हमारे पास क्या हो गया सी प्राइम टी तो दिस इज दूमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दी प्राइम टी ये एक्स का हमारे पास मूमेंट जनरेटिंग ट्रांसफॉर्म फंक्शन ये बन गया अब फर्दर इसको हमने करना है ये इसका आंसर चाहिए ये किसके इक्वल है नॉट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई सी प्राइम टी ट्रांसपोज इंटू वाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनी टू दस क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो इंटीग्रल आ रहे हैं आपके पास दिस फंक्शन इंटू एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वाई प्रीवियस हमें गिवन है ये एफ ऑफ जी नहीं ये एफ ऑफ वाई होगा ट्रांसफॉर्म्ड ना है एफ ऑफ वाई उसकी वैल्यू हमने एंटर कर ली है यह आपके पास वैल्यू एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर कर ली है देन इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं ये कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से पहले लिख लिया बाकी इंटीग्रल की आपके पास ये वैल्यू आ गई हैं ये एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल आपको पता है कि टू एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको एक ही एक्सपोनेंशियल में लिख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल में आ गया फर्स्ट वैल्यू हमने पहले ली है माइनस वन बाई टू वाई प्राइम वाई इसका आपने एलसीएम ले लिया माइनस ये टू इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू सी प्राइम टी प्राइम इंटू वाई टू वाई अब फर्दर इसमें हमने क्या किया है फर्दर हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर टी सी प्राइम टी ट्रांसपोज सी प्राइम टी एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल के अंदर ये वैल्यूज हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट किए अब इसमें से जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाली है उसको हमने पहले लिखा ये फैक्टर एज इट इज बाकी आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ ये वाली वैल्यू दिस इज वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गए ये फैक्टर हमारे पास बाहर आ गया वन बाई टू एज इट इज नाउ द एक्सपोनेंशियल ऑफ रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे आ गई अब इन रिमेनिंग टर्म्स को आप देखो तो हमने यहाँ पे इसको किया वाई प्राइम वाई क्या होता है सम ऑफ वाई आई स्क्वेयर माइनस टू इसका ट्रांसपोज ओपन किया और ये वैल्यूज आ गई हमारे पास अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इसको क्या कर लिया है पी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना तो हमने प्रोडक्ट टर्म जो आ रही है उसको ले लिया है कैपिटल पाई आई वेरिज टू दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस दिस टर्म अब इस टर्म को हम कैसे लिख रहे हैं दिस इंटू दिस सी स्क्केयर हो गया इसको हमने लिख दिया है क्योंकि ये आपके पास अब पी टर्म्स थी तो इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं अब ये जो फॉर्म है ये आपको पता है होल स्केयर किसका होल स्केयर है वाई आई माइनस सी टी होल स्केयर के इक्वल फर्दर हमने इस टर्म को बेसिकली होल स्केयर में बनाना था वो हमने होल स्केयर की फॉर्म ले लिया है ना वाई आई माइनस सी टी इक्वल टू जी आई अब हम कर रहे हैं पुट हमने करना है वाई आई माइनस सी टी को हमने लेट कर लिया विच इज इक्वल्स टू जी आई डेरिवेटिव ले लिया हमने डी वाई आई इक्वल्स टू टी जी आई अब आपके पास डी वाई आई डेरेवेटिव किसके इक्वल हो गया डी जी आई माइनस वन बाई टू एक्सपोनशियल में क्या है इस सारी वैल्यूज को हमने कह दिया जी जी स्क्र बाई टू और ये आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा है कि इसका जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो दिस फैक्टर विच इज इक्वल्स टू टू पाए स्क्र रूट और इसको हमने कैसे लिख लिया टू पाए पावर वन बाई टू अब आपके पास ये देखो ये आ गया उस फंक्शन की जो हमने उसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई किया लास्ट वाली की वैल्यू आ गई टू पाए की पावर वन बाय टू और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू पी बाय टू पी टाइम्स रहा है तो इसको हम पी टाइम्स करें तो पी बाय टू बाकी सारा हमारे पास एज इट इज़ है तो ये पी बाई टू माइनस में है ये पॉजिटिव में है कैंसिल आउट होकर रिमेनिंग आ ना है एफ एम ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल्स टू ई की पावर टी प्राइम म्यू इन टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ दिस ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्राइम टू दिस थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने है सिंप्लीफाई करने के लिए वी नो दैट टी सी प्राइम विच इज इक्वल टू सिग्मा तो सी सी प्राइम को हमने सिग्मा के इक्वल लिख लिया अब यहां से देखो हमारे पास क्या हो गया मूमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस एम एक्स टी किसके इक्वल हो गया एक्सपोनेंशियल दिस इज द मीन वैक्टर एंड दिस इज द दस मेट्रिक सो दिस इज द दूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अब ये हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया अब इसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जो टी का कोफिशियंट है टी के कोफिशंट का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो मीन की वैल्यूज दे रहे हैं यानी कोफिशेंट ऑफ टी आपके पास फर्स्ट मूवमेंट आ रही है फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी एंड ये टी प्राइम टी यहाँ पे आपके पास टी प्राइम टू टी मीन स्केयर फॉर्म में आ रही है जो टी के कोफिशेंट स्केयर फॉर्म में आ रही है वो वेरियंस की वैल्यू देगी तो इतने ज़्यादा हम मीन और वेरियंस निकाल लें और उसकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें तो मोमेंट जनरेटिंग से आप सिंपली मीन एंड वेरियंस जो उसकी मोमेंट्स हैं उसको जनरेट कर सकते हो मल्टीवेरिएट नॉर्मल में